गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वर्कशॉप ऑन फर्स्ट एड। क्या आप जानते हैं फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इंजर पर्सन को दिया जाने वाला वो ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले या पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दिया जाता है। जब किसी भी पर्सन को स्प्रेन, स्ट्रेन या फिर स्वेलिंग किसी भी पार्ट में हो जाती है तो उसके लिए हम प्राइस वर्ड का यूज़ करते हैं। P means protection, R mean rest, I mean ice, C mean compression, E mean elevations. Means जब किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद हमने उसके इंजर्ड पार्ट पे आइस लगाना है और आइस लगाने के बाद उसको कॉम्प्रेस करना है। और मान लो आपकी आर्म में चोट लगी है तो उसको एलिवेट करना है, एलिवेशन करना है, उसको ऊपर की ओर उठाना है। अगर खेलते खेलते हमें इंजरी हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो उस ब्लड को सबसे पहले हमने साफ पानी से या फिर डिटॉल से, जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उस सोर्स का यूज़ करके हमने उसको क्लीन करना है। इंजरी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था चॉकिंग। चॉकिंग मीन्स सांस का रुक जाना। अगर किसी की सांस रुक जाती है तो उसको हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देना है? सबसे पहले क्लोथ्स को हम ढीला करेंगे, उसके बाद उसके पीछे जाकर थोड़ा सा उसको नीचे झुका के फिस्ट को क्लोज करके चेस्ट के नीचे रखेंगे और ज़ोर से पुश करेंगे ताकि उसको खांसी आ जाए। हमारी वर्कशॉप का लास्ट स्टेप CPR। CPR स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। जब किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या फिर दिल का दौरा पड़ जाता है तो हमने उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देना है? सबसे पहले इंजर्ड पर्सन की एल्बो लॉक कर देनी है और उसके बाद चेस्ट को दबाने की कोशिश करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू।